मतलब मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आए कि यार आखिर आप क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो, इंडिया जो है इतना घटिया तरीके से हार गया, क्योंकि काफी सारे मेरे देखने वाले हैं पाकिस्तान के लोग भी हैं, और पाकिस्तान के लोग तो भैया सीधी सी बात यही चाहेंगे कि यार मैं मतलब इंडिया की तो बुराई करूं। और कल जिस तरीके का खेल इंडिया ने दिखाया उसको देखकर वाकई में ऐसा लग रहा था कि भैया हाँ यहाँ पर तो गड़बड़ झाला हो चुका है। और देखिए ये जो गड़बड़ है ना, ये कोई कम गड़बड़ नहीं थी, अच्छी खासी बड़ी गड़बड़ थी, क्योंकि इंडिया का प्रदर्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसको देखकर आप कह सकें कि हाँ भैया ये वही टीम है जो कि वर्ल्ड कप के फाइनल तक इतने डोमिनेट खेल कर पहुंची थी। मतलब 3 दिन में सरेंडर कर दिया यार, हद होती है। वो तो शुक्र मनाना चाहिए हमको विराट कोहली का कि विराट कोहली ने एक अच्छी खासी इनिंग खेल दी, वरना ये जो हम आंकड़ा अभी देख रहे हैं ना, ये आंकड़ा इससे भी कम जा सकता था, और भी ज्यादा घटिया स्कोर के ऊपर शायद हम लोग एंड अप कर सकते थे। मतलब इंडिया सेकेंड इनिंग में 131 के ऊपर ऑल आउट हुई है। अब अगर हम इस 131 के स्कोर का एनालिसिस करें तो इसमें से 2 इनिंग सिर्फ शुभमन गिल की, जो कि मजबूरन में बोलनी पड़ रही है, 26 रन ही भाई साहब ने बनाए, बट आप जरा सोचिए कि ये भी एक बड़ा स्कोर ही था। एंड इसके अलावा कोहली के 76, मतलब कि इन दोनों ने मिलकर 100 रन बनाए और टीम ऑल आउट हुई 131 रन पर। अब आप खुद देख लीजिए कि भाई आखिर कौन सी टीम कैसा खेल रही है और कैसे प्रदर्शन की आप लोग इन लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि सीरीज शुरू होने के पहले ही जो एक पूरा माहौल बना दिया गया था कि यार साउथ अफ्रीका में तो जाकर बैटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर तो बहुत मुश्किल से रन बनाने होते हैं, तो यार कहीं ना कहीं देखिए ऐसा होता है कि सब माइंडसेट का भी गेम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर जाकर आपका खेलना बहुत आसान होगा, लेकिन एक इंटेंट की बात होती है कि यार आखिर आप किस तरह का गेम दिखा रहे हो, और आपका गेम देखकर लग रहा है कि यार आपने उस तरह का गेम नहीं दिखाया। मतलब आप स्कोर कार्ड अगर देखेंगे इंडियन की सेकेंड इनिंग्स की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा एक बार फिर से 0 पे आउट। मतलब ठीक है आप हमारे कप्तान हैं, हम इमोशनली आपको काफी सपोर्ट करते हैं, सब चीज है, बट इन दी एंड आपको रन तो बनाने पड़ेंगे। पहली इनिंग में आप फ्लॉप हुए, चलिए समझ में आता, आपने पुल शॉट खेल दिया, आप आउट हो गए। दूसरी इनिंग में क्या, डक पे आउट। जायसवाल, मैंने पहले भी आपको ये चीज कही थी कि ओपनिंग जो जोड़ी है उसके साथ में ये छिड़खानी नहीं होनी चाहिए थी। हाँ चेतेश्वर पुजारा हमारे पास नहीं है, अजिंक्य रहाणे हमारे पास नहीं है, ऋषभ पंत हमारे पास नहीं है, बट ऋषभ पंत को अगर हम छोड़ दें तो रहाणे और पुजारा को तो हमने ही बाहर किया है, क्योंकि पुजारा खुद एक लंबे समय से अच्छी इनिंग नहीं खेल पा रहे थे, कहीं ना कहीं वही कारण बना उनके बाहर जाने का। रहाणे की बात करें तो उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के समय मौका मिला था, बट उसको भी वो बना नहीं पाए थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं हमको नए खिलाड़ी तैयार करने ही पड़ेंगे, और कब तक हम उनके भरोसे बैठे रहे। केएल राहुल ने पहली इनिंग में जो नाव थी वो पार लगा दी थी, वरना इंडिया ने तो पहली इनिंग में सपोर्ट का मतलब सरेंडर कर दिया था। अब यहां पर बात करें तो कोहली ने 76 रन बनाए, और कोहली के 76 भी ऐसा नहीं था कि कोई टेस्ट मैच की इनिंग जैसे आए थे। 82 बॉल में 76 बनाए थे 96 से 92 के स्ट्राइक रेट के साथ में, मतलब कि वहां साफ दिख रहा था कि स्लो बैटिंग से तो कुछ होना जाना नहीं है। अब यहां पर जो स्कोर हुआ है आप ये देखिए, तीन बैट्समैन तो हमारे डक पे आउट हुए हैं। मतलब कि टॉप से देखें तो जायसवाल 5 रन पे आउट हो गए, रोहित डक पे आउट हो गए, अय्यर 6 पे आउट हो गए, राहुल 4 पर आउट हो गए, अश्विन 0 पे आउट हो गए, ठाकुर ने 2 रन बनाए, बुमराह ने फिर 0 रन बनाए, सिराज ने 4 रन बनाए। मतलब क्या है क्या है, मतलब ये कोई क्या बैटिंग लाइनअप था ये। इसके बाद अगर हम देखें तो शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग में जिस तरीके से फेल हुए, मतलब इनका आप इकोनॉमी रेट देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। 408 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, और उसमें प्रसिद्ध कृष्णा 4.7 की इकोनॉमी से पिटे हैं, शार्दुल ठाकुर 5.3 की इकोनॉमी से पिटे हैं। इन दो बॉलर्स को हमने काय के लिए खिलाया था उन्हें समझ में नहीं आता। और प्रसिद्ध कृष्णा जो कि अभी एक ऐसी घटिया सीरीज खेल कर आए जहां पे कि हमने देखा कि उस बंदे को आप अभी फिलहाल मौका ना ही दे तो बेहतर होगा, आपने टेस्ट मैच में इंक्लूड कर लिया। भाई मुकेश, जब आपके पास में इतना बढ़िया बॉलर बैठा हुआ है आखिर उसको आप क्यों मौका नहीं दे रहे हैं? जिस व्यक्ति को जिस पॉइंट पर मौका देना चाहिए अब उसको उस पॉइंट पर मौका देते नहीं है, और बाद में जब चीजें बिगड़ने लगती तब आपको लगता है कि यार ये तो दिक्कत हो गई, और यहीं से ऐसी समस्याएं होना शुरू होती है। एक सिंपल सी बात यही है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।